हेलो प्लीज वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सारा चीज आपको वीडियो के माध्यम से मिल ही चुका जाता है। तो आज मैं जा रही हूँ राजनांदगांव और अभी बज रहे हैं 7। और राजनांदगांव मैं किस लिए जा रही हूँ, स्वदेशी मेला देखने के लिए। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम है। कैसे होता है, क्या होता है, ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है। अचानक मेरे को कल पता चला, तो आज मैं जा रही हूँ और थोड़ा और कहीं बाहर गई थी, इस वजह से मेरे को लेट हो गया है। तो जल्दी जल्दी जाती हूँ और आपको वीडियो के माध्यम से दिखाती हूँ कि हमारा छत्तीसगढ़ पे राजनांदगांव पे स्वदेशी मेला कैसा होता है। एक तो स्वदेशी मैं सुनी थी किसमें, बाबा रामदेव वाला जो प्रोडक्ट रहता है उसमें स्वदेशी क्या क्या तो लिखा रहता है ना, उसमें सुनी थी। अब यहाँ क्या है स्वदेशी का मतलब, उसको मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो चलते हैं राजनांदगांव पे और कहाँ पे है, कैसा है, ये सारा चीज आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो मैं पहुंच गई हूँ मेला में और मेला का बोर्ड आप देख रहे हैं स्वदेशी मेला। थोड़ा लाइट चमक रहा है लेकिन अंदर से आपको पूरा दिखते जाएगा। आज लास्ट दिन है तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है, मार्केटिंग पे, खाने पीने पे, पार्किंग पे और लैंड वर्किंग, गुलदस्ता पॉट, लकड़ी वकड़ी का सारी चीज़ में ना बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप लोगों के रस देख ही रहे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहा है और ये कम से कम में 11 बजे तक चलेगा, तो भीड़ अभी और बढ़ते जाएगी, बहुत ज़्यादा है। मैं मम्मी को साथ में लेकर आऊँगी बोली थी, लेकिन रात है और थोड़ी ठंडी हवा चलती है, इस कारण से मैं मम्मी को लेकर नहीं आई हूँ। लेकिन पछता रही हूँ, यहाँ का प्रोग्राम देखने बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। अगली बार और कभी होता है तो मैं जरूर मम्मी को लेके आऊंगी। अब हम एंट्री कर लेते हैं स्वदेशी मेला में और ये कहाँ पर हो रहा है उसको मैं पहले बता देती हूँ। ये आप राजनांदगांव में स्टेट स्कूल तो देखे ही होंगे, उसी मैदान पे हो रहा है। अगर आप जाते हैं इमाम चौक पे जाते हैं तो आपको लखनऊ जाने वाला, खैरागढ़ जाने वाला फ्लाईओवर मिलेगा, जस्ट वहीं पे आपको गेट मिलेगा, वहीं से आप जा सकते हैं। ये वहीं पर का गेट है और मैं एंट्री कर चुकी हूँ मेला के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्यालय मिलता है और एक साइड मेरे को स्टेज मिलता है जहाँ पर प्रतियोगियों को पुरस्कार और अतिथियों का सम्मान और जो भी भाषण, नृत्य, गाना जो भी है उसको सब होता है। आप देख ही रहे, यहाँ पे एक अभी चल ही रहा है, उसी तरह से ये स्टेज है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और थोड़ी सी भीड़ अभी यहाँ पे बैठने वाले में कम है क्योंकि आज है खरीदारी का दिन, मतलब लास्ट दिन है, तो जितना ले सके उतना खरीद कर लेते हैं क्योंकि आप लोग खरीदारी में ज़्यादा है। पत्थर का सामान है, लकड़ी का सामान है, प्लास्टिक का सामान है, सब लोग हाथ से बनाया हुआ चीज़ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि ऐसे राज्य उत्सव मेला जो लगता है ना छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय, उसमें भी ऐसे ही दिखाया जाता है, ऐसे ही मेला लगता है। उसी प्रकार आज ये राजनांदगांव में लगा हुआ है, ये मेला का चौथा बार है। अब तक 3 बार लग चुका है, ये चौथा बार है। कोविड के कारण गेप में लगा है और जानकारी मिली है कि ये इस बार नहीं होने वाला था, कैंसिल होते होते में इस बार हो चुका है। ये सारा चीज़ खाने पीने का है, आप चाइनीज़ फूड से लेकर हर चीज़ खा सकते हैं, पानी पूरी, चाट, मोमोज, चाउमीन, मैगी और जो भी आता है आप उसको खा सकते हैं। और सब चीज़ अच्छा मिल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद में फिर ना मेरे को थोड़े थोड़े से हैंडलूम की तरफ जाना था। हैंडलूम मतलब है जो हाथ से बना रहता है, उसमें पर्दे आते हैं, बेड शीट आते हैं, कारपेट आते हैं और पहनने के कपड़े आते हैं, सब चीज़ आते हैं। उधर ही जाना है तो उसको ढूंढते ढूंढते मैं इधर खाने पीने के तरफ आ गई। तो अगर खाने पीने के तरफ मैं अकेले क्या खाऊंगी यार, तो मैं कुछ नहीं खाई, पर मम्मी के लिए मैं कुछ लेके जाऊंगी और क्या लेके जाऊंगी उसको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये रहा हैंडलूम का एरिया जो मेरे को डोरमेट दिख गया और लकड़ियों से बना हुआ मेरे को की चैन और रेल
की रही है। बहुत सारा चीज मिल गया मेरे को, जो वही सब चीज मार्केट में मेले में शोभा देता है, मिलता है आसानी से। और यहाँ पे जूतियाँ हैं, फ्लावर पॉट है, ट्रे है, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी सी महंगी भी लग रही थी मेरे को, क्यों? क्योंकि सब लोग हैंडमेड लाए रहते हैं यार, इसको हाथ से बनाए रहते हैं। स्वदेशी का मतलब आप तो जान ही रहे होगे ना, शुद्ध, शुद्ध मतलब प्योर। तो प्योर है तो आपको तो महंगा थोड़ा मिलेगा ही, सारा चीज़ आपको हाथ की कलाकारी मिलता है, ना कि मशीन की कलाकारी, इस कारण से थोड़ा सा महंगा मिलता है। लेकिन आपको अच्छा मिलेगा और मजबूत मिलेगा, आप एक बार लेंगे हमेशा खुश रहेंगे, ऐसा चीज मिलता है जिसको स्वदेशी मेला के नाम से जानते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको मेले का सामान और भीड़ भाड़, आप मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताएंगे यार। और पता है ये मेरे को फर्स्ट टाइम है, और आज है गुरुवार, दिन है 22 तारीख, ये मेला 16 तारीख से 22 तारीख तक लगा हुआ है। और सुनने में आया है कि सबसे ज़्यादा भीड़ आज है, क्योंकि आज है लास्ट है। और स्वदेशी में मैं सुनी हूँ रामदेव बाबा का, तो शायद वही स्वदेशी है। रामदेव बाबा में भी सारे प्रोडक्ट स्वदेशी रहते हैं, हाथ का बना हुआ और ऐसा सब चीज रहता है, तो इसीलिए इसको भी स्वदेशी मेला कहा गया है, क्योंकि हैंडमेक है, तो हैंडमेक है मतलब हाथ का बना ही हुआ। तो बताओ आपको ये मेला कैसा लगा, और बाकी और क्या क्या हुआ है उसको मैं आपको ना और भी वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा एक पार्ट में नहीं मिलेगा, इम्पोर्टेंट चीज आपको सेकंड पार्ट में जरूर दिखाऊंगी। आधुनिक कल्पना के साथ एक अलग हट करके, बड़ा करके सोचने का विचार करने वाले जिन्होंने लाखों लोगों को नौकरी दी, सौरभ भी बनाया अपने अपने क्षेत्र में, ऐसा एक शब्द स्वदेशी है। स्वदेशी का मतलब सामान्य तौर पर अपना भारत का या भारत में निर्मित कल्पित विचार हो सकता है, उत्पाद हो सकता है, उसका उपभोग हम स्वयं यहाँ रहने वाले करें। अच्छे अच्छे आचार भी है यार, बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक बार हम गणपति जी के मेले में गए थे तो आचार लेके आए थे, तो वैसे ही मन था मेरा भी यहाँ से लेके जाऊँ, लेकिन कोई खाने वाले नहीं मिलते ना, इसलिए मैं लेके नहीं गई। बहुत अच्छा लग रहा था, मन को मार मार के रह गई यार, लेकिन आचार नहीं ली। और मम्मी को लेके आए रहते तो कुछ खाए भी रहते, लेकिन मम्मी को कुछ काम पड़ गया तो नहीं आ पाई, और रात भी हो गया ना तो ठंडी लग जाती है, इसलिए नहीं लेके आई। बाकी जो भी कुछ है ना अगले पार्ट्स में मैं जरूर दिखाऊंगी, आप मेरे अगले पार्ट्स का इंतजार जरूर करेंगे, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इसमें दिखाती तो वीडियो लॉन्ग हो जाता, तो मैं उसमें दिखाऊंगी आपको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि आपके मेरे को आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाना है। तो राधे राधे जरूर बोलूंगी, और क्या आप भी गए हैं स्वदेशी मेला तो कमेंट्स करके जरूर बताएंगे, और राजनांदगांव में रहने वाले हैं तो एक लाइक तो जरूर करेंगे दोस्तों। तो बताओ मेरे को मेला कैसा लगा उसको।